नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुंबई की एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत के बारे में जो कि मुंबई की पहचान भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की, जो भारत में 20वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। आपको बता दें कि अरब सागर के किनारे बना हुआ गेटवे ऑफ इंडिया बेहद ही खूबसूरत है और छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग के अंत में अपोलो बंदर क्षेत्र के तट पर इसे बनाया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के ताज होटल के सामने है और आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। लेकिन आज हम आपको इसके इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसे बनाने में कितना खर्चा हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की योजना 1911 में दिल्ली दरबार से पहले किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी की मुंबई यात्रा के उपलक्ष्य में की गई थी और इसे बनाने में करीबन 20 लाख रुपए का खर्चा आया था। आपको बता दें कि स्कॉटिश वास्तुकार जॉर्ज विटेट ने रोमन विजयी मेहराब और गुजरात की 16वीं शताब्दी की वास्तुकला के तत्वों को मिलाकर गेटवे ऑफ इंडिया की संरचना को तैयार किया और मुख्य रूप से इंडो सैरसेनिक वास्तुकला शैली में इसे बनाया गया। आपको बता दें कि भारत की आज़ादी के बाद अंतिम ब्रिटिश सेना गेटवे ऑफ इंडिया के द्वारा होकर ही वापस गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कुल 21 लाख रुपए में हुआ था और संपूर्ण खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया के चार बुर्ज हैं जिसे जाली से बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगी है, जो मराठाओं के गर्व और साहस के प्रतीक को प्रदर्शित करती है। माना जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई 8 मंजिल के बराबर है। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप अगर मुंबई जाएंगे तो इस ऐतिहासिक स्मारक को देखना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।